स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी कक्षा के लिए उपयोगी है और कक्षा 10 में ये 2 नंबर की आती है। क्रिया क्या होती है? सबसे पहले हमें क्रिया का अर्थ की क्रिया का अर्थ होता है करना या होना। जब हम कोई काम करते हैं तो वो काम करना ही हमारी क्रिया बन जाती है। इसकी परिभाषा, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कोई बालक दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, कोई लिख रहा है, तो ये सारे शब्द लिखना, दौड़ना, चलना, ये सारे शब्द क्रिया के होते हैं। जैसे लिखना, दौड़ना, तैरना, चलना, पढ़ना आदि। यहाँ हम एक उदाहरण देखते हैं कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ मोहन शब्द है करता और वो कर्म कर रहा है पुस्तक। यहाँ उसका कर्म हो गया, अब पढ़ता है उसकी क्या हो गई है? क्रिया। पढ़ता शब्द उसकी हो गई है क्रिया। तो ये शब्द आ जाते हैं क्रिया में। अब क्रिया के प्रकार, क्रिया मुख्य क्रम पढ़ते हुए आ रहे हैं सकर्मक या अकर्मक, लेकिन मुख्य रूप से क्रिया 3 प्रकार की होती है। क्रिया के प्रकार मुख्य रूप से क्रिया होती है 3 प्रकार की। क्रिया 3 प्रकार की होती है, पहली कर्म के आधार पर, दूसरी संरचना और प्रयोग के आधार पर, और तीसरी काल के आधार पर। सबसे पहले हम पहला प्रकार कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को देखो, हम देखते हैं तो कर्म स यानी सही, यानी कर्म सही। यहाँ पर कर्म के आगे ए लगा हुआ है, यानी कर्म रहित, यानी इसमें कर्म नहीं रहता है। सकर्मक क्रिया कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। जब क्रिया का प्रभाव, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान, सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हम क्या, किसको और किससे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या, किसको और किससे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर हम उसको उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक है, नहीं तो क्रिया अकर्मक का रूप ले लेती है। जैसे बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं, तो बच्चे किससे खेलते हैं? फुटबॉल से। इस प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया है कि किससे खेलते हैं, तो अपने को उत्तर मिला फुटबॉल से। तो यहाँ पर अपन को कर्म मिल गया है, इसलिए सकर्मक क्रिया। अन्य उदाहरण देखो, बच्चा आम खा रहा है, यहाँ बच्चा करता हो गया, आम उसका कर्म हो गया और खा रहा है उसकी क्रिया हो गई। यानी अपन प्रश्न भी बनाएंगे इन तीनों में से किसी से कि क्या, किसको, किसने से। तो बच्चा क्या खा रहा है? आम खा रहा है, तो अपन को प्रश्न का उत्तर मिल गया, इसलिए यहाँ पर क्रिया सकर्मक हो गई। तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, अपन वैसे जान रहे हैं कि सकर्मक में कर्म उपस्थित रहता है और इसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है। इसका उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिरता है। सभी इस उदाहरण में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रश्न बना लेते हैं कि पेड़ से क्या गिरता है, उत्तर मिल जाता है पत्ता और सकर्मक लिख देते हैं। लेकिन इस उदाहरण में अकर्मक क्रिया है, क्योंकि काम पत्ता कर रहा है, पेड़ एक निर्जीव की भांति एक स्थान पर खड़ा है और पेड़ से पत्ता अलग होने की क्रिया भी कर रहा है। तो अपना कर्ता बनेगा पत्ता और गिरना उसकी क्रिया। यहाँ पर कर्म उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा में केवल कर्ता और क्रिया, ये 2 चीजें रहती है। क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है और इसमें कर्म अनुपस्थित रहता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया की परिभाषा, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ेगा, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं।
और मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपको जैसे क्या किसको और किससे प्रश्न से अपन पहचान कर लेंगे, मोहन आम खाता है, प्रश्न किया मोहन क्या खाता है, आम, तो यहाँ पर इस वाक्य में सकर्मक क्रिया। बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, प्रश्न बनाया बच्चे किससे खेल रहे हैं, फुटबॉल से, तो इसमें भी आपके सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की परिभाषा, जब क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी इसमें कर्म अनुपस्थित रहेगा। कुछ उदाहरण जो एग्जाम के अंदर भी आते हैं या प्रतियोगिता परीक्षा में भी आते हैं अधिकतर, जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, वो प्रश्न बनाते हैं कि पक्षी आकाश में पक्षी क्या कर रहे हैं, वो उड़ रहे हैं, और जबकि उड़ना खुद क्या होती है, क्रिया, उड़ना शब्द खुद क्रिया है, इसलिए यहाँ पर उड़ना क्या हो गई, पक्षी कर्ता हो गया और आकाश स्थान हो गया, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जहाँ पर केवल एक कर्म उपस्थित होगा, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर केवल पुस्तक एक कर्म उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर एक कर्म क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जब वाक्य में दो कर्म उपस्थित होते हैं तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे राम ने चाकू से फल काटा, यहाँ राम ने क्या काटा है, फल काटा है, किससे काटा है, चाकू से, यानी चाकू और फल दो कर्म उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया। अब आगे हम क्रिया का दूसरा प्रकार है संरचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार, उसमें सबसे पहले अपन संयुक्त क्रिया। संयुक्त आप जैसे एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में जानते हो, एकल परिवार में केवल एक या दो और संयुक्त में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, वैसे बहुत सारी क्रियाएं जब एक साथ होगी तो उसे हम संयुक्त क्रिया, जैसे राधा ने खाना बना लिया होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बना लिया होगा एक ही क्रिया से काम चलता है तो एक अपनी एकल अकर्मक क्रिया हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी क्रियाएं जब साथ में प्रयोग आ गई तो उसे संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया की परिभाषा, संयुक्त क्रिया जो क्रिया दो या तो उससे अधिक भिन्न अर्थ देने वाली क्रियाओं के मेल से बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे राधा ने खाना बना लिया होगा, इसमें देखो पहले उसने बनाया है, फिर लिया और फिर होगा, यानी तीन भिन्न अर्थ देने वाली क्रियाओं के मेल से बन रही है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया। आगे दूसरी क्रिया है अपनी संरचना क्रिया, सहजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया यानी सह यानी समान और जाति यानी जाति, जहाँ पर कर्म और क्रिया दोनों ही समान जाति के होते हैं उसे हम सजातीय क्रिया कहते हैं, यानी दोनों समान अर्थ देने वाले होंगे, जैसे भारत ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अब लड़ाई है वो कर्म है और लड़ी उसकी क्रिया, यानी दोनों से समान अर्थ वो का बोध हो रहा है लड़ना। दूसरा उदाहरण, रमेश ने मोहन को पुस्तक दे दी होगी, यानी देने का अर्थ में हो रहा है, देना कर्म भी है और क्रिया भी है, तो दोनों समान जाति के हो रहे हैं। सजातीय क्रिया की परिभाषा, जिस क्रिया में कर्म तथा क्रिया समान जाति की होती है उसे हम सजातीय क्रिया कहते हैं, जैसे अपन ने पहले भी समझ लिया है कि भारत ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, यहाँ लड़ाई कर्म है और लड़ी उसकी क्रिया, यानी कर्म और क्रिया दोनों समान जाति की हो रही है। रमेश ने खाना खाया, रमेश ने क्या खाया, खाना, यानी उसका कर्म और क्रिया दोनों समान जाति की है, इसलिए यहाँ पर सजातीय क्रिया। तीसरी है प्रेरणार्थ क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया में दो कर्ता होते हैं, दो कर्ता होते हैं, एक कर्ता खुद काम नहीं करेगा, यानी एक कर्ता खुद काम नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा या दूसरे कर्ता को काम करने की प्रेरणा देगा, तो एक कर्ता खुद काम नहीं करेगा, दूसरे कर्ता को काम करने की प्रेरणा देगा, उसे हम प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे प्रेरणार्थ क्रिया की परिभाषा, जब वाक्य में दो कर्ता होते हैं, एक कर्ता खुद काम नहीं करके दूसरे कर्ता को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे हम प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं, जैसे रमेश मोहन से गृह कार्य करवाता है। इस
इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि रमेश और मोहन दो कर्ता हैं, रमेश और मोहन दो कर्ता हो गए हैं, लेकिन रमेश खुद काम नहीं कर रहा है, अपना गृह कार्य है वो मोहन से करवा रहा है। इसलिए यहाँ पर आपके प्रेरणार्थ क्रिया है जहां पर वाला वाले प्रत्यय शब्द लग जाते हैं वहां पर भी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे मोहन ने धोबी से कपड़े धुलवाए, मोहन ने धोबी से कपड़े धुलवाए, तो इसमें मोहन खुद अपने कपड़े नहीं धोकर धोबी से धुलवा रहा है, इसमें यहां पर भी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अगली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया या तात्कालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं, दो क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले पूरी हो जाती है, तो पहले पूरी होने वाली क्रिया, पहले पूरी होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खाकर सो गया, तो यहाँ आप देखेंगे कि दो क्रियाएं हुई है, खाना और सोना। पहले वो खाना खाया है उसने और फिर वो सो गया है, लेकिन यहाँ पर इसकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि जो पहले पूरी होने वाली क्रिया होती है उसके साथ में कर प्रत्यय लगा दिया जाता है, तो जहां पर कर प्रत्यय लग जाता है वहां पर पूर्वकालिक क्रिया, यानी दो क्रिया होती है पहले पूरी होने वाली क्रिया के साथ कर प्रत्यय। पूर्वकालिक क्रिया या तात्कालिक क्रिया की परिभाषा, जब वाक्य में दो क्रियाएं होती है, एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले पूरी हो जाती है और पहले पूरी होने वाली क्रिया के साथ कर प्रत्यय लगा दिया जाता है, तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश खाना खाकर सो गया, तो अपन जैसे पहले समझ चुके हैं कि खाकर शब्द में कर प्रत्यय लगा हुआ है, खाना और सोना दो क्रियाएं हो गई है, तो खाकर में आप पहचान कर सकते हो पूर्वकालिक क्रिया। पांचवी क्रिया है अपनी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द होते हैं, उनके साथ में ये प्रत्यय लगने से बनती है। जैसे अपन ने लिखा बात, तो बात से बन जाता है बतियाना। अपन ने लिखा शर्म, तो शर्म से बन जाता है शर्माना। यानी ये जो क्रिया होती है वो संज्ञा सर्वनाम शब्दों में विशेष प्रत्यय लगाने से बनेगी। नाम धातु क्रिया की परिभाषा, वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनती है। जैसे अभी अपन ने समझा था कि बात से अपन बतियाना, लज्जा से लज्जाना, शर्म से शर्माना या शर्माता। उदाहरण देखो, रमेश बहुत बतियाता है, तो अपन ने ये वाक्य लिखा, तो इसमें अपन को साफ पता चल रहा है कि बात से अपने बतियाता बना है, तो बतियाता शब्द नाम धातु क्रिया। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, तो इसमें टिमटिमाना शब्द है वो नाम धातु क्रिया। अगली क्रिया है अपने कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया में संस्कृत के मूल धातु में प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है उसे अपन कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे मूल धातु आप जब पढ़ते हो संस्कृत में लिख है, तो लिख में अपन ने ना जोड़ दिया, तो अपने बन गया लिखना। इसी तरह से चल मूल धातु शब्द है, चल में अपन ने कर प्रत्यय जोड़ा तो चलकर। यानी ये संस्कृत के मूल धातुओं में प्रत्यय लगने से जो क्रिया बन जाएगी वो अपनी नाम कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया की परिभाषा देखो, संस्कृत शब्दों की मूल धातु पे जब हम प्रत्यय लगा देते हैं तो उस प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है उसे कृदंत क्रिया। जैसे हम पढ़ चुके हैं लिख प्लस ना लिखना, चल प्लस कर चलकर। अगली है अपनी मुख्य क्रिया। आप इंग्लिश में जिसे मेन वर्ब कहते हैं, हिंदी में उसे हम कहते हैं मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया की पहचान सबसे पहले तो वो सहायक क्रिया से पहले आती है और दूसरी मुख्य व्यापार के बोध का अर्थ कराती है। मुख्य क्रिया होती है जिसे आप इंग्लिश में मेन वर्ब कहते हैं, हिंदी में उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया होती है वो मुख्य व्यापार का बोध कराती है। मुख्य क्रिया की परिभाषा, जो क्रिया वाक्य के मुख्य व्यापार का बोध कराती है और हमेशा सहायक क्रिया से पहले प्रयोग में आती है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश आम खा रहा है, इस वाक्य में राधा है तो सहायक क्रिया है और खाना उसकी मुख्य क्रिया। लास्ट है अपनी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जिसे आप इंग्लिश में जानते हो, ये मुख्य पूरे वाक्य को पूर्ण अर्थ प्रदान करने में अपनी सहायता देती है और मुख्य क्रिया के बाद में प्रयोग आती है। सहायक क्रिया की परिभाषा, जो क्रिया
वाक्य को पूर्ण रूप से अर्थ प्रदान करती है और मुख्य क्रिया के बाद में प्रयोग आती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पत्र लिख रहा है, आप अपन ये पढ़ चुके हैं कि लिखना तो मुख्य क्रिया हो गई और मुख्य क्रिया के बाद तुरंत बाद में आ रही है रहा है, यानी ये पूरा इसको अगर हटा देते हैं तो इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है, रहा है उसकी सहायक क्रिया। अब क्रिया का तीसरा रूप है काम के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो काम के आधार पर क्रिया होती है तीन प्रकार की। पहली होती है भूतकालिक क्रिया, जिस तरह से हम काल के बारे में पढ़ते हैं कि काल से हमें समय का बोध होता है, तो उसी तरह से इसमें क्रिया के होने वाले समय का बोध होता है। तो भूतकाल यानी जो पहले पूरी भूतकाल के रूप में यानी बीते हुए समय का बोध, जो क्रिया हमारे बीते हुए समय में होती है उसे भूतकालिक क्रिया। जैसे मोहन बाजार गया, मोहन बाजार गया, तो इसमें या शब्द लग गया है, गया शब्द हो गया है, तो इससे भूतकालिक क्रिया के बीते हुए समय का बहुत पता चल रहा है कि मोहन बाजार गया यानी वो जा चुका है। दूसरी है अपनी वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, इस क्रिया में अपने वर्तमान समय का जो अभी प्रेजेंट है अपने यानी वर्तमान समय उसका बोध होता है, उसे हम वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, तो आप काल के आधार पर पहचाने जाएंगे, ता है लगा हुआ है, तो ये अपनी वर्तमान कालिक क्रिया। तीसरी अपनी है भविष्यकालिक क्रिया, भविष्य कालिक क्रिया, जिस क्रिया से हमें आने वाले समय का, आने वाले समय का बोध होता है उसे हम कहते हैं भविष्यकालिक क्रिया। जैसे राम जयपुर जाएगा, तो गा से आप पता चला लेंगे कि यहाँ पर भविष्य जाएगा, इसलिए यहाँ पर भविष्यकालिक क्रिया। इस तरह से हमने क्रिया के तीनों प्रकारों को पढ़ लिया है। वापिस एक बार आप शॉर्टकट में समझ लीजिए कि क्रिया होती है वो तीन प्रकार की होगी, कर्म के आधार पर, योग संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक क्रिया में अपने कर्म उपस्थित होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित नहीं होता है, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। संरचना और योग के आधार पर अपन कई प्रकार की क्रियाएं पढ़ चुके हैं, तो उसमें जो मुख्य होती है प्रेरणार्थ क्रिया, उसमें दो कर्ता होते हैं, एक कर्ता खुद काम नहीं करके दूसरे से करवाता है। पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया में संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ अपन प्रत्यय लगा देते हैं। काल के आधार पर अपन ने क्रिया के तीन रूप पढ़ लिए हैं, भूतकालिक क्रिया जिससे बीते हुए समय का बोध होता है, वर्तमानकालिक क्रिया यानी जो क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, और भविष्यकालिक क्रिया जो क्रिया आने वाले समय में होगी। धन्यवाद।